12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त 2024 तक दो अलग अलग ग्रहों की एनर्जी देखने को मिलेगी आपके अपने राशि पर ही, अर्थात वृषभ राशि पर। इसका मुख्य प्रभाव ये होगा कि देव गुरु बृहस्पति पहले से ही आपके ठीक लगन पर, अर्थात आपकी राशि पर चल रहे हैं, तो दूसरे तरफ यहीं पर मंगल देव का गोचर ठीक 12 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रह परम मित्र हैं और मित्रता निभाते हुए ये आपके धन भाव को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, आज इसी बात को हम समझने वाले हैं। दो ग्रहों का मिलन होना, अर्थात कुछ विशेष संतुलन होना, क्या संतुलित होगा आपके जीवन में, आज इसे जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, समझते हैं एक एक बारीकियों को। मंगल वो ग्रह बनते हैं जो आपके द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं, 12वें घर के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ ये आपके सप्तमाधिपति, अर्थात सप्तमेश होकर के आपके अपने लगन पे बैठे हैं। तो जो लोग विवाह की कामना कर रहे हैं या जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ प्रसन्नता का अभाव है, उनके लिए एक बड़ी ये खुशखबरी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव आपका व्यापार भी है, आपका दाम्पत्य जीवन भी है और चूंकि दसम भाव से दशमेश होने के कारण ये आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। देव गुरु बृहस्पति पहले से आपके भाग्य को समर्थन करने के लिए मई से आए हुए हैं, अब मंगल का ट्रांजिट भी यहाँ हो चुका है। देखा जाए तो इस समय पर कुछ विशेष कैरियर से जुड़े हुए इवेंट हो सकते हैं, कुछ विशेष डिसीजन आप ले सकते हैं या आपने कहीं एप्लीकेशन, कहीं फॉर्म आपने भरा है, यदि उसका आपको रिप्लाई नहीं आया है तो हो सकता है इस समय पर आपके अनुकूल कोई पॉजिटिव डील यहां पर संभावित होते हुए नजर आती है। देखा जाए तो यहां पर देव गुरु बृहस्पति वो ग्रह बनते हैं जो स्वयं आपके लाभेश बनते हैं, अर्थात लाभ के स्वामी का और कैरियर, अर्थात बिजनेस सप्तमेश के स्वामी का मिलन होना हमारे कैरियर में ही लाभ को प्रदर्शित करता है। इस समय पर कोई अच्छे कार्य संभावित हैं, जैसे कि आपके सोशल सर्कल से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य है तो वहां पर संभावित है, क्योंकि मंगल और गुरु दोनों का संतुलन बन गया। कोई इच्छाओं की पूर्ति भी होना यहां पर संभावित होती है। माना जाता है मंगल जहां पर उपस्थित होते हैं वो स्थान हमारे लिए एक ऐसा स्थान होता है जहां पर हम पराक्रमी बन पाते हैं, अर्थात गुरु का होना आपके लिए एक अच्छा ये हो गया कि स्वयं आपको ज्ञानवान बना दिया। और देव गुरु बृहस्पति के साथ जब मंगल आते हैं, अर्थात सेनापति का आगमन होता है, तो इस समय पर आप स्वयं सेनापति की भांति अपने आप को महसूस करेंगे। मंगल की एनर्जी आपके अपने राशि पर ही आना इस बात को प्रमाणित करता है कि इस समय पर आप पराक्रमी रहेंगे। मंगल को एक ऐसा ग्रह माना गया है जिनके अंदर पर्याप्त ऊर्जा है और शायद इसी कारण से सबसे ज्यादा ऊर्जावान इस समय पर आप रहने वाले हैं। बहुत फर्क पड़ता है हमारे जीवन में हमारी ऊर्जाओं का, हमारी आंतरिक शक्तियों का, और जब ये होते हैं तो हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस होता है तो समझिए कोई भी इवेंट हम क्रॉस कर जाते हैं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर में उत्साह होना चाहिए और यही उत्साह इस समय पर काफ़ी मजबूती से वृषभ राशि के जीवन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर मंगल और गुरु विद्यमान रहेंगे। अब मंगल को माना गया है एक सुरक्षात्मक ग्रह माना गया है, इनके पास सुरक्षा होती है, तो ये जब गोचर के दौरान आएंगे तो किसको भाव को सुरक्षित करेंगे इसे अब जान लेते हैं। मंगल लगन पे हैं तो इस हिसाब से इनके पास चौथी दृष्टि है और देव गुरु बृहस्पति के पास भी तीन दृष्टि है, गुरु और मंगल के पास भी तीन दृष्टि है। इस हिसाब से मंगल चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। मंगल चूंकि भूमि के कारक माने गए हैं और इसलिए इस समय पर यदि कोई भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपको करना है तो इस समय पर वो ज़्यादा संभावित रहेंगे। बेचना अथवा खरीदना दोनों ही यहाँ पर प्रभावी रहेंगे, खासकर भूमि संबंधी कार्य। मंगल की दृष्टि जब पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, इस समय पर आपका फैमिली सुरक्षित हो गया, इस समय पर स्वयं आप अपने फैमिली के लिए ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षण कर पाएंगे, अपनी एनर्जी वहाँ दे पाएंगे। कुछ आपको करना है अपने लिए तो हमने किया, अब परिवार के करने की बारी है, तो हाँ आप वहाँ पर भी काम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मंगल के पास जो सातवीं दृष्टि है वो सीधे बिजनेस भाव पर पड़ रही है, दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, इसलिए मंगल आपके सप्तमेश ही बनते हैं, तो वैवाहिक जीवन में कोई यदि अशांति का माहौल है यहाँ पर शांति कायम होने की स्थिति काफ़ी प्रबल होती है। मंगल के पास एक दृष्टि और है और इस हिसाब से इनके पास जो आठवीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी,
अब अष्टम भाव वो स्थान हो गए जहां पर देव गुरु बृहस्पति का स्थान है, ये रुकावट का स्थान है, और गुरु ऑलरेडी लग्न आपके अपने राशि पर बैठे हैं और उसी मंगल के संग बैठे हैं, मतलब मंगल उस भाव को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यदि कोई रुकावट, कोई तनाव, कोई बाधा की स्थिति चल रही है तो ये समय होगा उस बाधाओं से मुझे मुक्ति पाने के लिए। ये एक ऐसा समय होगा कि उस बाधाओं से मैं बाहर निकल करके अपने जीवन को संतुलित कर सकता हूँ, मंगल की यहाँ पर दृष्टि पड़ी। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम गुरु को समझ लेते हैं, भाई गुरु का क्या रोल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गुरु इस समय पर 14 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं, और इस हिसाब से जब कोई ग्रह ज्योतिष के सूत्र को समझेगा, जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री पर होते हैं तो उनके पास युवा अवस्था का बल होता है, अर्थात उनके अंदर फल देने की कैपेबिलिटी 100% की होती है। इस हिसाब से गुरु आज 100% के फल देने को बाध्य होते हैं, चूंकि इनको एक सेनापति का साथ भी मिल गया, इसलिए ये इवेंट इस टाइम पर सबसे ज्यादा घटित होगी। देव गुरु बृहस्पति के पास पांचवी दृष्टि होती है जो कि आपके संतान भाव पर, तो बच्चों के लिए कोई बेहतर आप डिसीजन ले पाते हैं, बच्चों के उन्नति के लिए यहाँ पर अच्छा हो गया। यही स्थान आपके लव अफेयर का है, प्रेम संबंधों का है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर भी हमको सात्विकता देखने को मिलेगी। अब यही स्थान शेयर मार्केट संबंधी काम का है, और दो नंबर की राशि जहाँ पर बैठे हैं स्वयं धन का स्थान माना गया है, इसलिए शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं, वहाँ आपके पैसे लगे हुए हैं, कोई लॉटरी सट्टा इत्यादि का कार्य करते हैं वहाँ आपके पैसे लगे हुए हैं, तो हो सकता है कोई पॉजिटिव इवेंट वहाँ से निकल करके सामने आए, क्योंकि यही हमारे ज्ञान का स्थान है, हमारे डिसीजन का स्थान है। देवगुरु बृहस्पति जो कि स्वयं ज्ञान के कारक हैं, इसलिए इस समय पर हमारे डिसीजन हम जो करते हैं वो एक अनुकूलता की ओर आगे बढ़ते हुए हमें प्रदर्शित होते हैं। एक जगह बस ध्यान आपको रखना होगा, वो होगा कि जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, नौवीं दृष्टि। अब देखिएगा ये 5, 6, 7, 8, 9, अब नौवीं दृष्टि उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं जो कि मंगल जहाँ पर उच्च के होते हैं, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की यह दृष्टि पड़ रही है, और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, अब मंगल और गुरु दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक ऐसा समय होगा जो भाग्य के लिए हमको अप डाउन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इस टाइम पर जो हमको अगर नज़र अभी आ जाता है कि कोई अप डाउन हो रहे हैं भाग्य उन्नति को लेकर के, तो हम उसे मेंटेन कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि मंगल यहाँ पर समाहित होगा, जिनके पास साहस है, शौर्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, तो वो शक्ति गुरु के पास आ गई। तो एक प्रकार से कहा जाए तो हमें ऐसा लग सकता है कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐन वक्त पर जब बात डिसीजन की आएगी तो हो सकता है ऐन वक्त पर भाग्य आपका साथ दे जाए और कोई कार्य आपका सिद्ध हो जाए। देव गुरु बृहस्पति के पास जो सातवीं दृष्टि है, उस दृष्टि से ऑलरेडी आपके सप्तम भाव को देख ही रहे हैं, अर्थात पुनः फिर से विवाह संबंधी कार्य यहाँ पर अनुकूल सिद्ध होते हैं, विवाह से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर अनुकूल सिद्ध होंगे। जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई तनाव है, एक अनुकूल स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब इस समय पर एक ऐसा प्रभाव और भी बनेगा जिस उपाय को करके हम इसे सर्वश्रेष्ठ समय बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंगल का तत्व माना गया है, मंगल की धातु होती है ताम्र का जो पात्र होता है वो मंगल का के स्थान को माना जाता है, मंगल का पात्र होता है। अब देवगुरु बृहस्पति को माना गया है पीला रंग, मंगल होता है लाल रंग, तो तांबे के पात्र में पीला सरसों आप लेकर के आ जाइए मार्केट से, कुछ थोड़ा सा पीला सरसों ला करके उसमें डाल दीजिए और घर के पूजा स्थान पर या फिर ईशान दिशा में इस पात्र को आप रख दीजिए। चाहे तो इसमें जल भर को भी आप छींट सकते हैं, जल भी उसमें डाल सकते हैं। अब इसे कम से कम कुछ दिनों तक रहने दीजिए। जब भी गुरुवार का दिन आता है, जिस दिन आप करते हैं, अगला गुरुवार जब आता है तब उसी पात्र में जो जल है उसको घर में छिड़काव कर दीजिए, और जो पीला सरसों है उसे भी घर में आप छिड़काव कर दीजिए। होगा क्या, पीला सरसों नेगेटिविटी को दूर करता है, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, और जो आपने तांबे के पात्र में, मतलब मंगल यहां पर इस गोचर को हमने लिया है ना इस उपाय में, तो इस गोचर के दौरान हमने ये उपाय कर लिया, तो यहां पर मंगल की जागृति जो कि साहस के रूप में है, आपके सप्तमेश बनते हैं, केंद्र के स्वामी बनते हैं, और भाग्य की जागृति भी, क्योंकि भाग्य के कारक ही देवगुरु बृहस्पति हैं और दोनों का संबंध धन भाव से है, इसलिए कोई अच्छे आर्थिक परिणाम को यहाँ पर निकाल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।